हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 के क्वेश्चन बताऊंगा, जो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 33। लिमिट दिया है 1 to 4, x माइनस 1 मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 dx है। इसका मुझे इंटीग्रल ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, और इसमें जो है लिमिट दिया है 1 to 4। तो इसके लिए बच्चों मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा। इसके लिए थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, कौन कौन, 1, 2 और 3। क्वेश्चन अपना x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 मॉडुलस में है। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे क्या आएंगे, 1, 2, 3। तो इसके तीन केस बनेंगे बच्चों, तो जल्दी हम लोग तीन केस इसके देख लेते हैं। फर्स्ट केस रहेगा व्हेन x लेस देन 1, माने यदि x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो लेस देन है 1 से, तब क्या होगा। सेकेंड केस है व्हेन 1 less than or equal to x less than 2, मतलब 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, 1 या 1 के बराबर और 2 से कम हो। और तीसरा केस बनेगा बच्चों when 2 less than or equal to x less than 3, 2 से बड़ा हो और 3 से कम हो। और फोर्थ केस बन जाएगा बच्चों कि when 3 greater than or equal to x greater than or equal to 3। ये तो इस प्रकार से चार केस बन जाएंगे बच्चों। कितने केस बन जाएंगे, 4 केस बन जाएंगे। व्हेन x लेस देन 1 होगा, व्हेन 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 2, व्हेन 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 3, और फोर्थ केस होगा व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो हमने केस बना दिए, 4 केस हो गए व्हेन x लेस देन 1। तो अब f(x) इज इक्वल टू लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट के लिए x लेस देन 1, 1 से कोई भी वैल्यू छोटी लेते हैं, 1 से हमने कोई भी वैल्यू, 1 से कम वैल्यू यदि इसमें रखते हैं, तो सारे फंक्शन f(x) के क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यदि मान लीजिए मैं 0.5 रखता हूं, 0.5, 1 से छोटा नंबर 0.5 रखूंगा, तो 0.5 से 1 को माइनस करूं तो नेगेटिव आएगा, 0.5 माइनस 2 करूंगा तो भी नेगेटिव आएगा, 0.5 माइनस 3 करूंगा तो भी नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से इसके सारे वैल्यू जो है 1 से कम के लिए क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, और इफ करके यहां पर लिख देंगे इफ x लेस देन 1। ठीक बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब 1 से बड़ा, सेकंड केस देखिए, व्हेन 1 लेस देन x इक्वल लेस देन 2, तो 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से कम, तो 1 से बड़ा, मान लो मैं 1.5 रखता हूं, 1 से ग्रेटर, 1.5 रखूंगा तो ये 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस 1 लिखिए पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 रखूंगा। देखिए अब इसमें मैं x की वैल्यू 1 से बड़ा रख रहा हूं ना, तो अपने से कोई भी पॉइंट रख सकता हूं, तो मान लीजिए मैंने सपोज किया बच्चों 1.5, तो 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव आएगा, 1.5 माइनस जब 2 करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और 1.5 माइनस 3 यदि इसमें रखते हैं तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो x माइनस 3 इफ 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 2। अब थर्ड केस में चलिए बच्चों, व्हेन 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए, 2 से बड़ा, मान लो मैं 2.5 रखता हूं, 2.5 माइनस 1 करूं तो ये पॉजिटिव आएगा, 2.5 माइनस 2 करूंगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए प्लस का साइन लगा के लिखूंगा, 2.5 माइनस 3 करूंगा बच्चों तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू को क्या करूंगा, मैं नेगेटिव लिखूंगा, और इफ 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 3 कर दिया। अब बच्चों अब यदि मैं ये थर्ड केस हो गया, अब फोर्थ, यदि x की वैल्यू मैं 3 से बड़ा लेता हूं, मान लो मैं 3.5 लूंगा, तो 3.5 लेता हूं तो 3.5 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव आएगा, 3.5 माइनस 2 करूंगा तो ये भी पॉजिटिव आ गया, और 3.5 माइनस 3 किया बच्चों तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव आया, इसलिए मैंने इसको प्लस प्लस साइन से लिखा, जिसमें वैल्यू नेगेटिव आई उसको मैंने नेगेटिव साइन से लिखा है, माइनस साइन से लिखा है, इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए, x greater than or equal to 3 के लिए सपोर्ट। अब इनको मैं क्या करूंगा बच्चों, सॉल्व कर दूंगा, और इसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रल करेंगे। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करना है, तो चलिए इसके बाद वाला जो स्टेप है अब हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करना है, इसलिए मिटाना इसको ठीक नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस एक्स ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, क्या आया अपने पास, माइनस 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और 2 1 3 प्लस 6 हो गया। ठीक, अब सेकेंड वाला देखिए, x माइनस 1 माइनस x प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस x 3 2 5 माइनस 1, तो बच्चों ये आया अपना माइनस एक्स प्लस 4। सेकेंड लाइन को मैंने सॉल्व कर दिया, अब बच्चों मैं थर्ड लाइन सॉल्व कर रहा हूं, देखिए एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3
अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यक्स यक्स कैंसिल हो गया, यक्स यक्स बचेगा अपने पास यक्स 3 - 2 - 1, मतलब 3 - 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 0 बच जाएगा, मतलब ये -1 और -2 - 3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मात्र ओनली हमारे पास यक्स बचेगा। ठीक, अगला देखते हैं, यक्स माइनस वन प्लस यक्स माइनस टू प्लस यक्स माइनस थ्री, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यक्स यक्स 3x हो जाएगा, -2 - 1 - 3 - 3 - 6 हो गया। ठीक, तो ये फंक्शन अपना आ गया एफ एक्स का। ठीक, इसको अब क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रल करेंगे बच्चों, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, लिमिट लगा के इसका इंटीग्रल करना बच्चों। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो लिमिट था उसको समझिए 1 - 4 है। क्या है क्वेश्चन में जो हमारा लिमिट है 1 - 4 है। ठीक, समझिए बात को, 1 से चालू होगा और 4 तक चलेगा। 1 से कम के लिए हमारे पास नहीं, जो हमारा फर्स्ट आंसर आया था -3x + 6 वो x लेस देन 1 था, 1 से कम वैल्यू के लिए आई थी -3x + 6, इसलिए इसका हमें इंटीग्रल नहीं करना है, -3x + 6 का इंटीग्रल हमें नहीं करना, क्योंकि वो x लेस देन 1 था। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 - 4 लिमिट दिया ना, इसलिए फर्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन सोल्यूशन का ये -3x + 6 में हमें इंटीग्रल की वैल्यू नहीं लगाना। ठीक, इस पे लगाना बच्चों -x + 4 समझ में आया बच्चों, फर्स्ट वाला पार्ट आपको नहीं लेना क्योंकि x लेस देन 1 था, हमारी लिमिट है क्वेश्चन में 1 से 4, इसलिए हमने 1 से बड़ा और 4 तक की वैल्यू ले ली 1 - 4 की। तो -x + 4 dx हो जाएगा, प्लस 2 से 3 लिमिट लेंगे, और 2 से 3 में किसको इंटीग्रल करेंगे, x dx, प्लस 3 से 4 में हम लोग इंटीग्रल करेंगे किसका, 3x - 4 dx का। तो चलिए बच्चों -x का इंटीग्रल करते, तो -x² / 2 होगा, प्लस 4x हो गया, और लिमिट आ गई अपनी यहां से 1 से 4, प्लस x का इंटीग्रल हो जाएगा x² / 2। ठीक है, हाँ बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट जो आया था ना, इसमें लिमिट हम लोग लगाएंगे 1 से 2 लिमिट, क्या लगाएंगे, मैंने 1 से 4 लगाया था, 1 से 4 नहीं होगा, 1 से क्या होगा, 2 लिमिट लगाएंगे, और यहां भी हम लोग करेक्ट कर देते 1 से 2 लिमिट। ठीक है, 1 से 2 लिमिट, -x + 4 आ जाएगा, फिर 2 से 3 लिमिट लगेगा, तो x का इंटीग्रल x² / 2 होता है, देखिए 2 से 3 हो गया, प्लस 3 x का इंटीग्रल क्या होगा, x² / 2 -4 - 3x - 6 है, क्या है, 3x - 6 है, 3x - 6 यहाँ पर क्वेश्चन में अपने सोल्यूशन है ना, 3x - 6, मैंने मिस्टेक से 4 लिख दिया था, तो यहाँ पर 3x - 6 होगा, तो 3x का इंटीग्रल x² / 2 होगा, -6 का कर देंगे तो 6x हो जाएगा ये। ठीक, और लिमिट आ जाएगी बच्चों यहाँ से 3 - 4। अब सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट सब में रखना है। तो हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, पहले माइनस लगाओ बच्चों, x के प्लेस में 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया (2 + 4)/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माइनस लगाए, अब लोअर लिमिट रखेंगे -1² / 2 + 4)/1। फर्स्ट वाला पार्ट हुआ बच्चों, प्लस x की जगह में पहले अपर लिमिट रखिए 3² / 2 - 2, या अब लोअर लिमिट रख लो, x के प्लेस में 2 रखूंगा 2² / 2, प्लस लगाए बच्चों 3 है, 3/2 लिखा, x के प्लेस में पहले 4 का स्क्वायर किया, ठीक, -6 * 4, फिर माइनस लगाया बच्चों, अब लोअर लिमिट रखूंगा 3, x के प्लेस में मैं रखूंगा 3 - 2 - 6 * 3। ठीक, अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, -4/2 हुआ, +8 हुआ, -1/2 + 4 ये हो जाएगा, +3² मतलब 9/2 बच्चों -4/2 हो गया। ठीक, +3 को आप देखेंगे 3/2 * 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 16, -6 * 4 जा क्या होगा 24, -3 + 3² (9, 9 + 27/2 - 18 हो गया। ठीक, और सिंपलीफाई करें बच्चों, इसको कट करते हैं 2, तो 8 - 2 क्या हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, -1 + इसको एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 4 * 2 = 8/2 आ गया, प्लस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो 9 - 4/2 हो गया। ठीक, प्लस 2 से 16 कट करिए बच्चों, 8 + 3 = 24, माइनस का 24 हो गया। ठीक, अब अच्छा 24 - 24 कर दिया माइनस, इसको भी एलसीएम लिए बच्चों, 27 - 18 * 2 जा क्या हो जाएगा 36/2। ठीक, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं,
चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। 6 माइनस 8 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 7 बाई 2 आ गया ठीक। और ये 24 माइनस 24 तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। माइनस 27 से 36 जाएगा क्या आएगा, माइनस 9 बाई 2 आ गया ठीक। आप 6 बाई 1 कर लीजिए, माइनस 7 बाई 2 कर लीजिए, 5 बाई 2 करिए बच्चों, प्लस 9 बाई 2 ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 6 जा 12, माइनस 7 प्लस 5 प्लस 9, 12 से 7 गया बच्चों कितना है, 5 प्लस 5 प्लस 9 बाई 2, 5 5 10, 5 5 10, 10 प्लस 9 19 बाई 2, इसका क्या हो बच्चों आंसर आया। बहुत इजी तरीके से हमने बताया इसको और आपको समझाया भी बहुत अच्छे तरीके से, जो कि हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा बच्चों। हाँ चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 34 देखेंगे। लिमिट है इसमें 1 2 3, dx अपॉन x स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 3 लॉग 2 अपॉन 3, इसको प्रूफ करना है बच्चों सवाल को ना क्वेश्चन को। तो चलिए कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा मान लो है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हम पार्शियल से सॉल्व करेंगे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, इसलिए हम अभी लिमिट नहीं लगाएंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन में हम सॉल्व करके इसको इजी कर लेंगे तब फिर हम लिमिट लगा के इसको इंटीग्रल करेंगे ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बच्चों तो यहाँ पर a बाई एक्स लिखेंगे प्लस b बाई एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। पार्शियल का मेथड पता ना आपको, पहले x लिखते हैं फिर स्क्वायर लिखते हैं फिर c अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, x प्लस 1। अब देखिए बच्चों या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 हमने लिखा है, इक्वल टू लगा, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो जो इसके डिनोमिनेटर में रहेगा ना वही इसका भी एलसीएम कहलाता है ठीक है। तो एक्स में एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपने पास, एक एक्स बचेगा और एक्स प्लस 1 बचा बच्चों ठीक, प्लस बी, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स प्लस 1 डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब जब एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो इसको इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू एक्स हुआ, एक्स प्लस 1 प्लस बी, एक्स प्लस 1 प्लस सी, एक्स स्क्वायर हुआ ठीक। अब बच्चों हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स को हम 0 के इक्वल करेंगे, फिर एक्स प्लस 1 को हम जो है एक्स माइनस 1 रखेंगे, इसके बाद हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एबीसी की वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअली में क्या होता है ना, इसमें सबका इनटू करके और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व करते हैं, वो लेंथी मेथड हो जाता है बच्चों, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पार्शियल को हम बहुत इजी मेथड से आपको बताएं। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, एक्स है ना खाली अकेला एक्स है ना, तो हम लोग एक्स को 0 कर देंगे, एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू जहां जहां एक्स है बच्चों वहां वहां टर्न 0 होगा, डायरेक्ट करिए ना, एक्स की जगह हम 0 दे पूरा रिजल्ट 0 होगा। इसमें रखेंगे किसमें रखेंगे, बी में, देखिए बी में रखेंगे, जब एक्स की वैल्यू जब रखे बच्चों तो 0 प्लस 1, सी में रखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो सी का ही रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू बी आया, तो बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, 1। अब हम x को 0 कर दिया, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, इसी इक्वेशन में पुट करना, किसमें, इसको ही हमको पुट करना बच्चों, x की वैल्यू माइनस 1, तो पहले लेफ्ट साइड में x नहीं है, इसलिए जो नंबर है उसको लिखा करते हैं, 1 है तो 1 को लिखेंगे। अब देखिए जहां जहां x प्लस 1 है वहां ना रखिए, देखिए a में x प्लस 1 है ना, क्योंकि x प्लस 1 की वैल्यू मैंने 0 मानी थी, तो x प्लस 1 तो 0 रख देंगे, तो ये पूरा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, b भी x प्लस 1 की वैल्यू 0 माने हैं तो इसे भी 0 हो जाएगी। अब हम वैल्यू रखेंगे c में, तो c लिखे x स्क्वायर है बच्चों, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू c, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू c, इस प्रकार से c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, सी की वैल्यू भी बना गई, अब मुझे निकालना है बी की वैल्यू, तो क्या करते हैं, इसका एक आसान तरीका है आपको बताते हैं जिससे आप जल्दी से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बच्चों हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, देखिए इसका इजी तरीका क्या है बताते हैं, इसमें आप डायरेक्ट इनटू किसका कर सकते हैं, डायरेक्ट देखिए बड़े नंबर जो बड़ा पावर जो होगा ना, लार्जर पावर जो होगा उसका हम इनटू डायरेक्ट कर सकते हैं, और एक होता है कॉन्स्टेंट टर्म का भी इनटू हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, दो तरीके हैं, दो वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसका पूरा मल्टीप्लाई मत करें, मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए हम एक इजी तरीका बताएं, जैसे देखो बड़े नंबर का इंटू करेंगे x का x में इंटू करिए तो x स्क्वायर आएगा, इसमें तो x स्क्वायर है नहीं ठीक है, c में x स्क्वायर है सबसे बड़ा x का पावर, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेटिंग करेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, किसका, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या आएगा, देखिए इक्वेटिंग करते हैं तो x स्क्वायर है क्या यहां पर, यहां पर नहीं है ना, x स्क्वायर नहीं है इसलिए 0 कर देंगे, इधर x x का इंटू करें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर इनटू ए होगा, तो ए आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और समझ में आया बच्चों कि एक्स स्क्वायर का कैसे कोएफिशिएंट की इक्वल किया मैं, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड मेरे नहीं है, मैं एक बार थोड़ा डिटेल्स भी आपको करके समझा देता हूँ बच्चों, जैसे 1 लिखा ए
यक्स इंटू करिए तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स आएगा ना, और प्लस सी यक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। यक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं है तो छोड़ देता हूं, तो वन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होगा, तो वन इक्वल टू ए प्लस सी और एक्स स्क्वायर कर दिया। देखिए तो यहां पर ए नहीं है मतलब जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, जीरो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो यहां पर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इक्वल करूं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच्चों क्या आ गया मेरे पास ए प्लस सी इक्वल टू जीरो आया ना। इसलिए इतना लंबा करने की अपने को आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है, अपन दिमाग लगा के एक्स एक्स इंटू कर दे एक्स स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा तो ये आ गया, और इधर सी एक्स स्क्वायर है तो सी कर दे, तो ए बराबर क्या होगा बच्चों माइनस सी, और सी की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस वन निकाल चुके थे, तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस वन, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन। अब इन वैल्यू पुट करके अपन इंटीग्रल कर देंगे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन टू थ्री लिमिट है वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन डीएक्स था, तो हम लोग क्या लिखे बच्चों ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन लिखे थे, ठीक है। इसे बच्चों हम लिमिट लगा दें वन से थ्री और इधर क्या लिखते हैं डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो वन टू थ्री लिमिट हो गई, ए की वैल्यू मेरे पास देखो बच्चों क्या है माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स करिए, प्लस बी की वैल्यू कितनी मेरे पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स करिए, ठीक लिमिट लगाते जाएंगे बच्चों सब क्वेश्चन वन टू थ्री, प्लस सी की वैल्यू मेरे पास क्या थी वन, वन टू थ्री लिमिट सी की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स हुआ। तो बच्चों माइनस वन बाई एक्स, माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस तो लगा दूंगा, वन बाई एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको याद है बच्चों क्या है लॉग एक्स होता, क्या होता है लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स हो गया, लिमिट आ गई बच्चों वन टू थ्री। वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा माइनस वन बाई एक्स होगा, क्या होगा माइनस वन बाई एक्स, लिमिट आ गई वन टू थ्री। वन बाई एक्स प्लस वन का इंटीग्रल क्या होगा टी सपोज कर लूंगा तो वन बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स होता है ना, उसी बेस में इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन और लिमिट आ जाएगी बच्चों कहां वन से वन टू थ्री। अब इसमें लिमिट रखते हैं बच्चों, पहले माइनस लगाएंगे लॉग लिखे एक्स के प्लेस में थ्री रखेंगे, फिर नियम का माइनस है लोअर लिमिट जब रखते बच्चों तो माइनस लगाते, माइनस लगाया लॉग का वन लिख दिया ठीक, प्लस माइनस वन बाई थ्री लिखेंगे, फिर नियम का माइनस है ठीक है, और माइनस वन बाई वन लिख दिए ठीक है, ये समझ में आया, प्लस लगाओ बच्चों लॉग लिखा, पहले अपर लिमिट रखा थ्री प्लस वन, माइनस लगाया लॉग वन, बच्चों मैंने लिमिट रख दिया तो अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस नियम का है रूल का है माइनस, माइनस लगा के हम लोग को क्या रखना पड़ता है बच्चों लोअर लिमिट रखना पड़ता है ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया लिमिट कैसे रखा जाता है ठीक। अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, माइनस लॉग थ्री लिखिए बच्चों, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है इसलिए इसको जीरो कर दीजिए, प्लस लगाइए बच्चों माइनस वन बाई थ्री, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का वन बाई वन हो गया, फिर प्लस लॉग फोर ये हो गया माइनस लॉग टू ये हो गया बच्चों ठीक है। अब ध्यान दीजिए माइनस लाख थ्री लिखे, जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, प्लस थ्री लिखे माइनस वन प्लस थ्री, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूं, प्लस लाख फोर माइनस लाख टू आया ठीक, इतना समझ में आया बच्चों। फिर माइनस लाख थ्री प्लस थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा टू बाई थ्री, प्लस लाख फोर माइनस लाख टू आया बच्चों ठीक। इसको देखिए माइनस लॉग थ्री लिखे हमने, प्लस टू का आई थ्री लिखा, प्लस लॉग बच्चों लॉग का रूल है फोर, लॉग फोर माइनस लॉग टू है, इसको हम फोर बाय टू लिख सकते हैं, डिवाइड रहेगा बच्चों तो माइनस साइन हमेशा डिवाइड में चेंज हो जाता है ठीक है, तो ये कैंसिल करके हम टू लिख देते ठीक। अब ये टू बाई थ्री को आगे लिख लिए, माइनस लॉग थ्री लिखा प्लस का लॉग टू लिख दिए बच्चों, लॉग का रूल अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, टू बाई थ्री पहले प्लस लॉग टू लिखिए माइनस लॉग थ्री लिख दिया ठीक है, माइनस लॉग थ्री लिखा तो टू बाई थ्री प्लस लॉग, ये भी डिवाइड माइनस लगा बच्चों तो ये भी डिवाइड में चेंज हो जाता है, रूल है लॉग का लॉग टू बाई थ्री, तो अपना जो प्रूफ कर रहा है बच्चों टू बाई थ्री लॉग टू बाई थ्री अपना आंसर आ गया। हाँ बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, लिमिट है जीरो टू वन एक्स या डी एक्स इक्वल टू वन प्रूफ करके लाना है, तो चलिए पहले इसको प्रूफ करते हैं, जीरो टू वन एक्स ई एक्स डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, पी एक्स सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे जो प्रोडक्ट वाला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है डिवाइड एस फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर क्या होगा होल इंटीग्रल होता है बच्चों, तो होल इंटीग्रल लगा देते हैं हम लोग और ऐसे ये लिख दिया ठीक है। तो आप यक्स ई यक्स लिमिट एक साथ रख देंगे जीरो टू वन, माइनस यक्स का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों वन और ई यक्स डी यक्स ठीक है। तो अब ई यक्स डी यक्स का इंटीग्रल क्या होगा यक्स ही होगा। अब बच्चों हम इसका यक्स ई यक्स था यक्स ही हो जाएगा और जीरो टू वन लिमिट लगा दिया ठीक। आप क्या करेंगे पहले अपर लिमिट रखिए बच्चों यक्स की जगह हम वन e की पावर वन माइनस यक्स की जगह हम जीरो रखेंगे बच्चों, तो रिजल्ट जीरो कर देंगे, जीरो इंटू ई की पावर जीरो मतलब जीरो आएगा माइनस ई की पावर एक्स की जगह वन रखा माइनस ई की पावर क्या रख दिया जीरो, तो ये ई आ गया माइनस जीरो माइनस ई, ई जीरो का मतलब क्या होगा बच्चों वन, ई जीरो का मतलब क्या होगा ई की पावर में किसी भी नंबर पर जीरो पावर आएगा तो वन, तो ई माइनस ई प्लस वन ई कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर क्या है बच्चों वन आया, यही प्रूफ करना था बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, माइनस वन टू वन लिमिट है, एक्स राइज टू 17 कॉस राइज टू 4x डी एक्स इजकल टू जीरो प्रूफ करना है। तो चलिए एफ एक्स इजकल टू हम लोग लिखते हैं फंक्शन को क्वेश्चन एक्स राइज टू 17 कॉस राइज टू 4x ठीक। अब इसमें बच्चों एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं, क्या रखते हैं माइनस एफ माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स पावर में 17 कॉस माइनस एक्स ठीक है। तो क्या आया बच्चों माइनस एक्स को सब 17 टाइम्स इंटू करता हूं तो माइनस एक्स की पावर 17 आएगा कॉस को 4 माइनस एक्स 4 लगाते होल पावर 4 हो जाएगा, इसलिए जब पावर इवन नंबर में 4 है और ऑलरेडी कॉस क्या होता है पॉजिटिव आता है, कॉस माइनस थीटा इसका भी कॉस थीटा भी होता है, ये भी एक तरीका है, तो ये क्या आएगा कॉस की पावर 4x ही आएगा ठीक है। एक मेथड ये बताया और दूसरा मेथड क्या है कॉस 4x है तो इसकी वजह से भी अपना यहाँ पर पॉजिटिव आया एक्स पावर 17 ही आएगा, ऑड नंबर है 17 ठीक। तो बच्चों क्या आ गया माइनस एफ एक्स आ गया, क्या आया यही क्वेश्चन मिला जो हमारे पास क्वेश्चन था एफ एक्स वही है क्वेश्चन फिर मिलेगा माइनस एफ एक्स आया, तो ये कौन सा फंक्शन है ऑड फंक्शन है ठीक। तो जब ऑड फंक्शन होता है बच्चों तो इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑड फंक्शन होने से इसका इंटीग्रल क्या होता है जीरो, प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑड फंक्शन में इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है, उसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। क्वेश्चन देखेंगे 37 जीरो टू पाई बाई टी है और साइन क्यू एल डी एस इज इक्वल टू प्रूफ करके लाना 2/3। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको, जीरो टू पाई बाई टू लिखे साइन क्यू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स तो लिख सकते हैं ना। आप क्या करेंगे बच्चों जीरो टू पाई बाई टू लिमिट साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया साइन एक्स डी एक्स। अब बच्चों हम कॉस एक्स को क्या करेंगे टी सपोज करेंगे, कॉस एक्स को जब टी सपोज करेंगे तो इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी हो गया ठीक। साइन एक्स डी एक्स के प्लेस में हम लोग माइनस डी टी रखेंगे और कॉस एक्स के प्लेस में हम लोग टी रखेंगे। अब हमारा जो मेन काम हुआ जो हमने बताया था जब जब आप टी मानेंगे ना तो लिमिट को चेंज करेंगे, अब हम लिमिट चेंज करेंगे। अब बच्चों कॉस एक्स बराबर टी हुआ है माने थे सपोज किए थे तो एक्स बराबर लिमिट रखेंगे, पहले लोअर लिमिट रखेंगे एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती बताओ साइन 90 की वही कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो टी बराबर क्या हो गया बच्चों वन आ गया ठीक है। और फिर कॉस एक्स इक्वल टू टी लिखिए, अब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे अपर लिमिट रखें पाई बाई टू तो कॉस 90 पाई बाई टू बोलने से 90 कॉस 90 वैल्यू क्या होती है जीरो होगी ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन था हमारा जीरो टू पाई बाई टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स था ठीक है। तो हमने जब लिमिट एक्स बराबर जीरो रखा था बच्चों तो लिमिट हमारे पास आई थी टी की वैल्यू वन, और जब एक्स बराबर पाई बाई टू रखा था तो टी की वैल्यू हमारे पास आई थी जीरो, वन कॉस एक्स को हमने टी माना था टी स्क्वायर लिख दिया बच्चों, साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे डी टी लिख दिया ठीक। साइन एक्स डी एस माइनस डी टी आया था, कॉस एक्स को टी माना था साइन एक्स डी एस वैल्यू माइनस डी टी, तो बच्चों मैं माइनस को क्या कर दूं आगे लगा देता हूँ सबसे अच्छा ठीक है ना, ध्यान रहे बच्चों कॉस एक्स को हमने टी माना था डिफरेंशियल साइन माइनस साइन एक्स डी एस डी टी आया था ठीक है, माइनस लगाया बच्चों वन का इंटीग्रल क्या होगा टी और टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा टी क्यू बाई थ्री और लिमिट आ गई अपनी वन से जीरो ठीक है। तो पहले अपर लिमिट रखो जीरो जीरो आया ठीक है, माइनस लगाओ बच्चों लोअर लिमिट रखो टी की जगह में वन माइनस वन बाय थ्री ठीक, तो माइनस लगाया जीरो लिखा माइनस थ्री बन जाए थ्री माइनस वन टू बाय थ्री, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों टू बाय प्लस का पॉजिटिव का टू बाय थ्री आया, यही प्रूफ करना था यही आर एच एस था बच्चों।
बच्चों आप 38 नंबर देखेंगे, 0 to π/4 लिमिट टू टेन क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 − log2 प्रूफ पर खिलाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 लिखा, टेन क्यू एक्स को बच्चों हम लोग क्या लिख देते हैं जाने, टेन क्यू एक्स को हम लोग टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लिख देते हैं, ठीक है, और डी एक्स कर देते हैं, लिमिट डाल देते हैं बच्चों कितना 0 से π/4 है, ठीक। तो 2 लिखा और 0 से π/4 लिमिट टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख देते हैं आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ये लिख दिया, और टेन एक्स डी एक्स लिख दिया बच्चों। फिर 2 लिखा 0 से π/4 लिमिट sec² x इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस 0 से π/4 लिमिट टेन एक्स डी एक्स लिख दिया, ठीक बच्चों। और ये 2 जो है पूरे के होल के साथ का था। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन एक्स को टी मान के डिफरेंट इंटीग्रल करें बच्चों। देखो 0 से π/4 sec² x डी एस है, 0 से π/4 टेन एक्स डी एस है। तो इस टर्म को बच्चों, इस टर्म को के लिए टेन एक्स को मैं टी माना, टेन एक्स बराबर क्या माना टी, तो टेन एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब लिमिट चेंज करो बच्चों, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टी इक्वल टू 0 आएगा, और एक्स इक्वल टू यदि पाई बाई 4 रखूंगा तो टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार से 2 लिखा और 0 से 1 लिमिट आ जाएगा, टेन एक्स को टी माना था तो टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। और इस टर्म को बच्चों 0 से π/4 टेन एक्स, टेन एक्स को इंटीग्रल क्या कहते हैं, माइनस log sec x होता है या माइनस log cos x होता है, अपन log cos x डाल देते बच्चों। और 0 से π/4 इधर पर टर्म को हमने टी नहीं माना है, हम tan x का डायरेक्ट इंटीग्रल का वैल्यू रख दिए हैं, इसलिए लिमिट हमारी चेंज नहीं होगी बच्चों। इधर से 2 लिखा, अब t का इंटीग्रल करिए तो t² / 2 हो जाएगा और लिमिट आ गया 0 से 1 लिमिट, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस log, अब पहले पाई बाई 4 लिमिट रखेंगे बच्चों, cos π/4 माइनस माइनस रूल का, माइनस रूल का लगाएंगे तो लॉग कास 1 कास 0 सॉरी लॉग कास 0 रख देते हैं, ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें रख देते हैं। तो देखिए आप 2 लिखा, ठीक है, जगह अपर लिमिट रखा 1/2, माइनस 0 रखने की जरूरत नहीं, पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा बच्चों, प्लस लॉग कास पाई बाई 4 कास 45 वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख दिया हमने, ठीक, और कास 0 की वैल्यू 1 होगी तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 लिखा 1/2 प्लस log और 1/√2 है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 1/√2 है ना, तो √2 को क्या करते हैं, पावर लगा देते हैं 1/2, ठीक। हाँ बच्चों देखिए 1/2 लिखा प्लस log, ये पावर ऊपर चला जाएगा बच्चों, 2 की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 2 1/2 रूल है, पावर हमेशा आगे आएगा, तो माइनस 1/2 लॉग 2 हो गया। अब 2 बच्चों में अंदर इंटू कर दूंगा तो 1 आएगा, 1 1 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 अंदर इंटू होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस लॉग 2 RHS आएगा बच्चों। हाँ बच्चों ये मेरे वीडियो पसंद आया बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सके बच्चों।